नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है कि हमने ऑनलाइन NSDL की साइट से पैन कार्ड करेक्शन कराया है और पैन कार्ड सक्सेसफुल करेक्शन हो गया है, लेकिन ईमेल पे ई पैन कार्ड कितने दिन के बाद आता है, जिसको आप डिजिटल कॉपी भी बोलते हो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, 31 अगस्त को मैंने ऑनलाइन NSDL की साइट से पैन कार्ड करेक्शन किया था, जिस पर मैंने पैन कार्ड में सिग्नेचर और फोटो अपडेट किया था। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद से चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, 7 सितंबर 2022 को NSDL की तरफ से मुझे ईमेल आ चुकी है और इसी ईमेल पर मुझे जो पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी होती है मुझे यहाँ पर रिसीव हो चुकी है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन पैन कार्ड करेक्शन करवाते हो तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर जो डिजिटल कॉपी होती है आपके ईमेल पे मिल जाती है। चलिए मैं आपको इसको ओपन करके बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो, ये रहा मेरा डिजिटली पैन कार्ड। इसके बाद से अब मैं आपको स्टेटस बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर स्टेटस भी देख सकते हो, कुछ दिन पहले मेरा जो पैन कार्ड है वो अंडर प्रोसेस था। इसके बाद से अभी जो एक्सेप्ट बता रहा है और कुछ दिन के बाद ये डिस्पैच भी हो जाएगा और यहीं पर मुझे जो ईयर बिल नंबर होता है मुझे मिल जाएगा, जिसके थ्रू मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरा जो पैन कार्ड हो कितने दिन के बाद मेरे घर के एड्रेस पर फिजिकली आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना पैन कार्ड को ट्रैक भी कर सकते हो और आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ईमेल पर डिजिटली कॉपी भी मिल जाती है।